और ये पुष्पा नेगी की पूरी टीम त्रिजुगी नारायण गीत के साथ। हेमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, जब तो माँ देव ठुला त्रिजुगी नारायण। हेमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, जब तो माँ देव ठुला त्रिजुगी नारायण। नारायण नारायण, जय हो जय जो जस दे त्रिजुगी नारायण। हेमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, जब तो माँ देव ठुला त्रिजुगी नारायण। पार्वती को मैं ते अख, शिव जी को सौर्यास, तीन जुग बज धुनि जगी चा पूजा भरा मास। नारायण नारायण, जय हो जय जो जस दे त्रिजुगी नारायण। हेमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, जब तो माँ देव ठुला त्रिजुगी नारायण। हिमाचल का राजा कर द कन्या को दान, पार्वती संग फेरा फेर द शंकर भगवान। नारायण नारायण, जय हो जय जो जस दे त्रिजुगी नारायण। हेमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, जब तो माँ देव ठुला त्रिजुगी नारायण। एकादशी को मेलो लगत भादों का मास, दिन दुखियों को सारो छै औतों की आस। नारायण नारायण, जय हो जय जो जस दे त्रिजुगी नारायण। हेमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, जब तो माँ
नमस्कार। महाराजा नमः। ओम यो मा पुष्पमेव
देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नगरी योग नगरी ऋषिकेश में सनातन धर्म का प्रतीक संत समाज को दंडवत प्रणाम करते हुए आज के इस समारोह में उपस्थित धार्मिक रूप से राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन समझ के साथ काम करने वाले आदरणीय मोहन सिंह रावत गांववासी जी, इस नगर की महापौर और लोक संस्कृति के क्षेत्र में अनूठा काम करने वाले महापौर बहन अनिता ममगाई जी, उत्तराखंडी लोक की धड़कन श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी, पर्यावरण के क्षेत्र में अनूठी पहल मैती आंदोलन का श्री गणेश करने वाले पर्यावरणविद पद्मश्री कल्याण सिंह रावत मैती जी, इस धरती से गंगा की पवित्रता के लिए स्पर्श गंगा की शुरुआत करने वाले संगठन के संस्थापक सदस्य चंद्रवीर पोखरियाल जी, स्पर्श गंगा के पूर्व ओएसडी और गंगा के प्रति बहुत संजीदा व्यक्तित्व प्रोफेसर प्रभाकर बडोनी जी, डॉक्टर सर्वेश सुनियाल जी, रंगकर्म के क्षेत्र में पूरे देश में एक अलग तरह का नाम जो बड़े आदर के साथ दिया जाता है श्रीमान शिरीष डोभाल जी, भाइयों बहनों, नमामि गंगे की यह अद्भुत पहल जो आज आपके सामने एक अलग तरह से हिमालयी निनाद के रूप में उत्तराखंडी लोक वाद्यों की प्रस्तुति के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं इस अवसर पर आप सबका, सभी महान भावों का, संतों का, देवियों का, सज्जनों का, नगर निगम ऋषिकेश, नमामि गंगे, उमंग प्रकोष्ठ और सभी कलाकारों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय चिंतन की कामना लोक मंगल की रही है, इसीलिए हमारे लोक में मंगल गान की परंपरा रही है और मंगल आनंद का प्रतीक होता है। चलिए सब आनंदित होते हैं और मैं बड़े आदर के साथ मंगल गान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ उन कंठों को जो अपने कंठों से इस अवसर पर अपना मंगल गान प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती उषा नेगी,
सोनम, सुरवंदिता, आरती और राजलक्ष्मी। ये मंगल गान आपके सामने प्रस्तुत हुआ। ये मंगल गान कर रही थी श्रीमती उषा नेगी, सोनम सुरवंदिता, आरती और राजलक्ष्मी। हिमालयी निनाद, हिमालयी लोकवाद्यों की यह अद्भुत प्रस्तुति, मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ उपस्थित जनसमूह पहली बार अपनी तरह की इस तरह की प्रस्तुति को देख रहा होगा। हमारे लोकवाद्यों की जो परंपरा रही है वो बहुत अद्भुत, बहुत अनूठी रही है। हमारे गायन में, वादन में, हम सब उत्सवधर्मी लोग हैं। कहते हैं कि वन कांतर क्षेत्रों के लोग उत्सवधर्मी होते हैं। यह उत्सवधर्मिता हमारे लोक में विराजमान है तो हमारे हम सब के अंदर खून की तरह प्रवाहित होती है। उसकी जो वानगी है वो हमारे गीतों में, हमारे गान में, हमारे नृत्य में, हमारे वाद्यों में प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत है लोकवाद्यों की यह अद्भुत और अनूठी प्रस्तुति हिमालयी निनाद। हिमालयी निनाद को जो पारंपरिक शैली है लोकवाद्यों की, हमारे सुरतालों की, ये अनूठे ताल और सुर आज आपको इस मंच पर सुनाई देंगे। हमारे यहाँ जागर की जो परंपरा है, लोक गायन की जो परंपरा है, उसकी जो मिठास है वो हमारे लोक सुरों में, हमारे लोकवाद्यों से झंकृत होती है। प्रस्तुत है हिमालयी निनाद, आपको इस लोक में गूंजने वाली तालें, लोक धुनें आज इस मंच पर देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। लोक धुनों में बांसुरी और मशकबीन का प्रयोग करते हुए ढोल दमो, नगाड़ा, रौटी और हुड़के का प्रयोग क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा, जो संगीत की बहुत ही सुरीली तान छेड़ते हैं। Thank you.
मैं आपका परिचय करवा रहा हूँ उन कलावंतों से, उन कलाकारों से जो हिमालयी निनाद की इस प्रस्तुति में अपने पारंगत हुनर से लोकवाद्यों की प्रस्तुतियाँ आपके सामने करेंगे। ढोल पर गजेंद्र लाल, दमों पर अजय कुमार, मशकबीन पर विनोद कुमार, नगाड़ा पर गोविंद लाल और रोंटी पर सुरेंद्र प्रकाश, डोर पर हेमेंद्र सिंह चौहान, थाली पर सौरभ नेगी, हुड़का पर सुरेंद्र बेशवाल, रणसिंगा अनिल वर्मा, दूसरे रणसिंगा पर नितेश, भंकोरा पर भगत सिंह और दीवान सिंह, ध्वजवाहक कैलाश चंद्र और अजय कुमार, मोचंग पर इस हिमालयी निनाद का निर्देशन कर रहे हैं रामचरण जुयाल, और बांसुरी पर कैलाश ध्यानी और प्रस्तुत हमारी लोक की धुन रामसोर। Thank you.
Thank you.
Thank you.
एक महत्वपूर्ण सूचना कि आज इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश के शिक्षा मंत्री लाइव देख रहे हैं और किसी मीटिंग से इस कार्यक्रम के लिए आए और हमें यह सूचना मिली है कि वो लाइव उद्बोधन कर रहे हैं। मैं सभी कलाकारों से क्षमा याचना सहित, आप सभी महानुभावों से क्षमा याचना सहित ये समय मांग रहा हूँ। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी का उद्बोधन आपके सामने होगा। हम बहुत संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आप सबको लिए चलते हैं दिल्ली। हिमाली निनाद के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित परमादरणीय सभी संतगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित अतिथिगण, इस महानगर की महापौर, सभी पार्षद, सभी उपस्थित भाई और बहनों, मैं समझता हूँ कि जहाँ कुंभ का आयोजन चल रहा है, पूरा देश और दुनिया के लोगों की नज़र में कुंभ एक आकर्षण का केंद्र बना है, वहाँ ऋषिकेश में इस त्रिवेणी की पावन घाट में, गंगा के इस तट पर, इस पावन तट पर मेरे उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं उन सभी कलाकारों का ये जो कुंभ हो रहा है, वाद्य यंत्रों का भी जो कुंभ हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। बहुत ऐसा प्रयास है जो उस कला को उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए और लोगों तक उसकी पहुंच करने के लिए, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं इसके आयोजकों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। जिस तरीके से नमामि गंगे, स्पर्श गंगा, केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय, धार सहित तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा ये सब एकत्रित होकर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे सभी कलाकारों का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि हिमालय की जो ये कला है, ये पूरे विश्व में इसके वाद्य यंत्र तो विख्यात रहे हैं हमेशा, और जो इसकी सांस्कृतिक झलक रही है उसको तो देखने के लिए, पाने के लिए विश्व हमेशा तरसता रहा है। ये भी सौभाग्य का विषय है कि जो गढ़वाली के गीतकार हैं हमारे श्रेष्ठ गढ़ रत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो जागर्स के सम्राट हैं पद्मश्री भरतवान जी, और जो जागर गायिका हैं पद्मश्री बसंती विश्व दीदी, और अभी पर्यावरण के क्षेत्र में जिनको पद्मश्री मिला है और जो मैती जी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह रावत जी सहित तमाम वरिष्ठतम लोग, इन सभी हुनर कलाकारों को शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए, इनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सब एकत्रित हैं। मैं इन सभी जो श्रेष्ठ हमारे कलाकार हैं जिनका मैंने अभी नाम का उल्लेख किया, मैं इनको भी सबको अभिनंदन कर रहा हूँ, इनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि जो हमारे हिमालय की संस्कृति रही है वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। ये गंगा जो स्वर्ग से अवतरित होकर के और पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो अहर्निश प्रवाहमान रही है, उसी के तट पर आज इतना अच्छा संगम हो रहा है, इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वर्णिम भारत की बात की है, 21वीं सदी का जो स्वर्णिम भारत है, जिसके बारे में वो बार बार कहते हैं, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो श्रेष्ठ भारत। और जो आत्मनिर्भर भारत है वो वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल तक जाने की जो बात है, तो आज उसका प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ पर हो रहा है।
जब गांव-गांव से अपने तमाम वाद्य यंत्रों को लेकर के हमारे जो ये कलाकार हैं वो यहाँ पर आए हैं, और इसका किस तरीके से संरक्षण हो सकता है, इसका किस तरीके से विकास और विस्तार हो सकता है, इसकी ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि हिमालय की संस्कृति पूरे विश्व के लिए प्राण वायु जैसी रही है। आपको मालूम है कि जब भी दुनिया के लोग हताशा, निराश और कुहासा से होकर के गुजरते हैं, तब वो उत्तराखंड जैसे राज्य में आकर के, देवभूमि में आकर के एक नया जीवन लेकर के यहाँ से वापस जाते हैं। तो इसकी जो आध्यात्म की ताकत है, जो भारत की संस्कृति का हम इसको प्राण भी बोलते हैं, और इसलिए चार धाम बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री हेमकुंड साहब जैसे यहाँ पर तमाम इस तरीके के धार्मिक स्थल हैं। यदि उधर देखेंगे आप तो जिस स्थान पर भी जाएंगे वो हर 10 कदम पर, हर 10 किलोमीटर पर कुछ न कुछ ऐसा नया अनुभूति आपको महसूस होगी, जहाँ ये कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक धरोहर, जो ये पुंज है, ये जो देवभूमि है, ये निश्चित रूप में पूरी धरती के लिए एक वरदान है। और आज गंगा के इस तट पर, ऐसे अवसर पर यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हैं, मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ। और मुझे भरोसा है कि ये जो चार धाम के बाद जो सैनिक धाम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये उत्तराखंड में पांचों धाम भी है, क्योंकि ऐसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे जिन्होंने देश की आज़ादी के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ दिया, इस तरीके के लोग आज़ादी से पहले हुए, आज़ादी के बाद या वर्तमान तक जो सैन्य परंपरा रही है हमारे उत्तराखंड की, वो भी बहुत ही अद्भुत रही है। और इसलिए मैं उन माताओं को उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे देशभक्त सपूतों का जन्म दिया है। ये अवसर हम सब लोगों के लिए बहुत आनंदित और उल्लास का है, लेकिन इस अवसर पर जो पूरी दुनिया कोरोना काल के महासंकट से गुजर रही है, और हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं, मेरा उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है, इसलिए मेरी विनती होगी, आप सबसे निवेदन होगा, करबद्ध प्रार्थना करूँगा मैं कि अपनी सुरक्षा पहले है। जो निर्देश सरकार के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा तमाम प्रकार के जो निर्देश समय समय पर मिल रहे हैं, उनका हम ज़रूर सुरक्षा की दृष्टि से पालन करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। एक बार इतने बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए अनिता जी, मैं आपको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपको पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, इन सभी संस्थाओं के लोगों को जिनके मन में, सर्वेश ने मुझे बताया कि बहुत ही अद्भुत प्रकार का ये कार्यक्रम पहले से इसकी रूपरेखा सुनिश्चित हुई है। तो मैं सभी कलाकारों को और प्रदेश के कोने कोने से, पूरे हिमालय से आकर के गंगा के इस तट पर जो एकत्रित हुए हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, ऋषिकेश वासियों को विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ कि उनको इतने अद्भुत आयोजन को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरी ओर से शुभकामना, धन्यवाद, नमस्कार। यह कार्यक्रम श्री उदयराज सिंह, कार्यक्रम निदेशक नमामि गंगे उत्तराखंड के सहयोग से संपादित हो पाया, जिन्होंने नगर निगम के सौजन्य से इसको आयोजित करने में हम सबकी मदद की, और आवाज़ संस्था ऋषिकेश, जिसकी आवाज़ लॉकडाउन में आप पूरी दुनिया ने देखी, उस आवाज़ संस्था को बहुत बेहतरीन ढंग से संयोजित करने वाले हैं डॉक्टर सुनील थपलियाल साहब को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आगे कार्यक्रम संचालित करने के लिए। डॉक्टर सुनील थपलियाल, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित गणेश कुक्साल गणी भाई साहब का, बहुत बहुत आशीर्वाद लगातार हम सब लोगों के साथ बना रहता है। आपने देखा हिमालय निदाद की ये पावनमय प्रस्तुति, और हमारा सबसे बड़ा गौरव है कि हमारे बीच आज गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनकी कीर्ति सर्वत्र विराजमान है, जो अपने में एक बहुत बड़ा ग्रंथालय है, जिस पर अनेकानेक वर्षों तक क्या जीवन भर भी शोध कार्य निरंतर इस उत्तराखंड देवभूमि के प्रति चलते रहेंगे। और इसके साथ ही मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा अपने बीच में अधिक लंबा समय न लेते हुए, आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर बढ़ोनी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने जन संभाग के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जहाँ एक बहुत बड़ा दायित्व आप निर्वाह कर रहे हैं, वहीं स्पर्श गंगा से लेकर के और लगातार अनेक प्रकार की धाराओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जन धाराओं को, संवाद की धाराओं को और हिमालय की धाराओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। स्पर्श गंगा के तहत आपका जो मंगलमय कार्यक्रम रहता है, मेरा निवेदन है कि दो शब्द आप आशीर्वचन के रूप में यहाँ पे
आदरणीय नेगी जी, आदरणीय कल्याण सिंह रावत जी और आदरणीय चंद्रवीर पोखरियाल जी और मंचा सिंह सर्वेश सुनियाल जी, सभी लोगों को मैं और यहाँ की जो महापौर हैं अनीता ममगाई जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे तीन संस्थाओं का जो त्रिवेणी यहाँ पे बनी है त्रिवेणी घाट पे, ये गढ़वाल विश्वविद्यालय, नमामि गंगे और महानगर पालिका ऋषिकेश का जो त्रिवेणी का संगम हुआ है, इस पे हम लोगों के द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय सभी लोगों ने जो प्रयास किया है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कृपया यहाँ पे जो भी वाद्य यंत्र हुए हैं इनको आप गंभीरता से लीजिए और जो यहाँ पे इन लोगों ने प्रस्तुति दी है ये ऐसे यंत्र हैं जो विलुप्त की कगार पे हैं, इनको आगे करने के लिए एक छोटा सा प्रयास हुआ है और उसमें आप सभी लोगों की भूमिका, हम लोगों को आमंत्रित आपके विचार करते हैं। मैं आदरणीय नेगी जी के बीच, आदरणीय कल्याण सिंह रावत जी और आपके बीच वाद्य नहीं बनना चाहूँगा, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय की अपने आदरणीय जो हमारी वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौत्याल जी का जो मैसेज है, मैं यहाँ पे सिर्फ धन्यवाद देने आया हूँ आदरणीय नेगी जी का, कल्याण सिंह रावत जी का और विशेष रूप से जो यहाँ की महापौर हैं अनीता ममगाई जी का, कि उन्होंने इस कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम दिखने में आपको बहुत सामान्य लग रहा है लेकिन ये गढ़वाल की जो परंपरा है, आदरणीय नेगी जी ने जिस ढंग से गढ़वाल की गढ़वाली को, हमारे साहित्य को उजागर किया, बहुत अग्रणीय भूमिका रही है। आने वाले जो विलुप्त जो हमारे वाद्य यंत्र हो रहे हैं वो भी इसी ढंग से आगे आएंगे। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सर्वेश सुनियाल जी की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और चंद्रवीर पोखरियाल जी का विशेष रूप से, क्योंकि आपका भी हमारे साथ हमेशा आशीर्वाद रहता है, सभी लोगों का, गणेश जी का विशेष रूप से और जितने भी जो कलाकार हैं जगह जगह से आए हैं पूरे उत्तराखंड से, आप सभी लोगों को गढ़वाल विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद। आपका भी थपलियाल जी धन्यवाद और मैं अपनी बात आपके बीच, आदरणीय नेगी जी हैं, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप उनको सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे जिन्होंने अपनी लोक संस्कृति को बहुत ऊँचा उठाया है। मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपसे पुनः धन्यवाद देते हुए आपसे विदाई लेता हूँ, धन्यवाद। इस कार्यक्रम को जो निदाद की बात हम कर रहे हैं, हिमालय निदाद, एक नया आविष्कार, एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नया उल्लास, एक नए उत्सव को लेकर के नमामि गंगे से डॉक्टर पूरण जोशी साहब और संदीप उनियाल जी का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने यहाँ तक इस गंगा के पतित पावनी के तट पर इसको लेकर के आए हैं। और इसी के साथ ही मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा, क्योंकि समय भी काफ़ी लंबा हो गया है, मैं अपने बीच उस महान पुरोधा को आमंत्रित करूँगा जिन्होंने कि वास्तव में उत्तराखंड की इबारत को दुनिया के वसुंधरा के इतिहास में लिख करके स्वनाम धन्य है। ऐसे हमारे बीच हमारे गणरत्न परम श्रद्धेय सम्मानित नरेंद्र सिंह नेगी जी को मैं बड़े गौरव और सम्मान के साथ मंच की दीर्घा में आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जो सभाएं खचाखच भरी रहती हैं लाखों हजारों करोड़ों लोगों के बीच में, लेकिन हमारे बीच वो भगीरथ आज उपस्थित हैं जो इस शहर का चिंतन करते हैं, शहर का मंथन करते हैं, इस शहर के विकास के लिए अरणी मंथन करते हैं, वो लोग हमारे बीच उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के लिए। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आप भी अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वचन हम सबको देने की कृपा करेंगे। परम श्रद्धेय सम्मानित नरेंद्र सिंह नेगी जी गणरत्न। धन्यवाद थपलियाल जी। आज का आमंत्रित अतिथि डॉक्टर बडूनी जी, कल्याण सिंह जी, मैती जी, डॉक्टर सर्वेश पोखरियाल जी और यखयां तमाम प्रबुद्ध ऋषिकेश का प्रबुद्ध जन, माननीय महापौर अनीता मंगमाई जी जौन यो कार्यक्रम आयोजित करी नमामि गंगे गढ़वाल विश्वविद्यालय का सहयोग से, जन डॉक्टर बडूनी जी ने बताए कि ये त्रिवेणी तीन संस्थाओं हिमालय निनाद को यो कार्यक्रम यख आयोजित करी, एक वास्ता में यूँ सभी आयोजकों थे बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दें दो कि उन ऋषिकेश माँ हिमालय का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र छन और धीरे धीरे समाप्त होना छन, अदृश्य होना छन, यूँ वाद्य यंत्रों से आप लोगों थे को परिचय कराई और ई उम्मीद का साथ कि यूँ वाद्य यंत्रों की रक्षा सुरक्षा संरक्षण करे जाओ,
और यो फिर हमारे समाज में वी गति से बजन जन एक जमाना में यूँ को राज छो उत्तराखंड का क्षेत्र में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में आज भी ये वाद्य यंत्र धै लगौना छन हम सब थे और हम थे उनकी आवाज़ सुन पड़ली। आज महापौर आपका नगर का महापौर आदरणीय मंगवाई जी ये प्रयास करी गढ़वाल यूनिवर्सिटी और नमामि गंगे का सहयोग से, लेकिन आप सब लोगों ने भी प्रयास कर चाहे हम ब्याह शादी में जो बैंड थे आमंत्रित करता उनकी जगह में अगर यूँ वाद्य यंत्रों को आप आमंत्रित कर लिया तो निश्चित रूप से ये बचा राला नेत्र हिमालय को नाद धीरे धीरे अदृश्य होनो च ये चिंता हम सब लोगों थे च काफ़ी समय भी हो गए। और मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई दें दो यूँ तीन ही संस्थाओं थे जो का प्रयास से हिमालय निनाद हुए। हिमालय निनाद का और भी सो होला ये माँ अभी बहुत गुंजाइश ये थे और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की, तो मैं जुयाल जी से अनुरोध कर लूँ कि ये थे और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करो। अरे का दूसरा शो भी अगर होला तो धीरे धीरे यो और बेहतर ढंग से हम हर वाद्य यंत्र को बेहतर ढंग से हम वे को उपयोग कर सकता और वे को प्रदर्शन कर सकता और वे थे एक्सपोज कर सकता। तो ये प्रयास मैं उम्मीद कर दूँ जुयाल जी भविष्य में भी करला गणी भाई और यूँ सब लोगों का सहयोग से यो हिमालय निनाद को पहलू सोच हो तो ये माँ बहुत सारी कमी भी रहेगी नहीं जो कि धीरे धीरे करके दूर होली और एक दिन यही मंच माँ और बेहतर प्रस्तुति हिमालय निनाद की हम देखना चाहना चाह। और आप सब लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद आप इतना देर तक ये कार्यक्रम में बैठे रहे न काफ़ी समय भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और यूँ संस्थाओं थे जो यो आयोजित करी हिमालय निनाद एक वास्ता में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानित गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में मैं निवेदन करता हूँ अपने महापौर श्रीमती अनिता ममगाई जी से कि सभी मंच पर रहते हैं सबको धन्यवाद आभार व्यक्त करला। बहुत बहुत सम्मान और आभार व्यक्त करता हम भाई बालाजी स्टूडियो जो एक नई तकनीकी के रूप में हमारे नगर क्षेत्र में न बल्कि उत्तराखंड देवभूमि में एक अद्भुत काम कर रहा है हमारा बालाजी स्टूडियो, जिसने हमारी इस लाइव हो या डिजिटल जो भी प्रसारण है बहुत ही बेहतरीन करें हमारी अनिता ममकाई जी हम सबके बीच। आज पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर त्रिवेणी के इस संगम पर और त्रिवेणी का संगम आयोजकों का भी जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय नेगी जी ने बताया इस हिमालय निनाद कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए पहुँचे, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे गढ़ रतन परम आदरणीय परम श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी। मैं चाहूँगी एक बार आप सभी जोरदार करतल ध्वनियों से इन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन चंदन करेंगे। साथ में आदरणीय कल्याण सिंह रावत जी मैती के नाम से आपकी करतल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए, हम उनके लिए स्वागत में लगातार अपनी तालियां बजाते रहेंगे। साथ में हमारी दीदी पुष्पा नेगी जी जो कि हमारे बड़े भाई साहब नरेंद्र सिंह नेगी जी की धर्म उषा नेगी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर बडोनी जी डॉक्टर सर्वेश उनियाल जी नमामि गंगे से श्री पूरन जोशी जी संदीप उनियाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित भाई चंद्रवीर पोखरियाल जी और जिन्होंने इस मंच का बहुत सुंदर संचालन करा
ऐसे मेरे भाई सुनील थपलियाल जी, भाई गणी जी एवं उदय राज जी, जो कि जिनके कि सहयोग से काफ़ी चीज़ों का, कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कार्यक्रम को करने के लिए। तो जो उदय राज जी डायरेक्टर हैं नमामि गंगे के, उन्होंने एक बहुत अच्छा इसमें अपना सहयोग दिया। मैं चाहूँगी उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। विशेष आभार व्यक्त करती हूँ मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे लोकप्रिय जनप्रिय सांसद हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का, उनके लिए भी हम एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन, उनका भी आभार व्यक्त करेंगे कि उनका समय बहुत कीमती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ उन पर हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने लाइव जो हमारे साथ में जुड़े और लाइव जुड़ने के बाद उन्होंने अपने आशीर्वचन हम सभी को दिए, हम सभी का मार्गदर्शन करा, उत्साहवर्धन करा। मैं यहाँ पर सभी आयोजकों का, जितने हमारे कलाकार जो हमारे पूरे उत्तराखंड से दूर दूर से आए हुए ये कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का मैं पूरे नगर निगम क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, आप सभी को ये कार्यक्रम भले ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा कार्यक्रम है, लेकिन इन कलाकारों ने और जितने भी लोगों ने उनके साथ में जो मेहनत करी, उसमें जुयाल जी हैं, गणी भाई हैं, उनकी पूरी टीम ने 3 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था और 3 तारीख से लगातार वो रात दिन करके इसमें मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ करके। वो समय नहीं है, अब समय काफ़ी हो गया है। तो ये जितने भी यहाँ पर वाद्य यंत्र थे जो बज रहे थे, वो सिर्फ नचाने के लिए नहीं है, उनके एक एक सुर के पीछे, एक एक ताल के पीछे, एक एक धुन के पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। किस तरह का तालमेल आप सभी ने यदि अनुभव करा होगा तो किस तरह का तालमेल उसमें था, तो उस सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे अभी नेगी जी ने बताया कि अनेकों कमियां उसमें रह गई होंगी, तो जब हम किसी चीज़ का कुछ प्रयास करेंगे तो कमियां दूर भी तभी होंगी, तभी हमको पता भी चलेगा कि कहीं पर कुछ कमियाँ हैं। यदि हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हमको कमियों का भी पता नहीं चलेगा। मैं तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि 4 बजे से आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के उत्साह से मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो इस कार्यक्रम को करने का जो मकसद था कि वोकल फॉर लोकल, किस तरह से हम उसका प्रचार प्रसार करें, किस तरह से हम लोकल का प्रचार प्रसार करें और जो समाप्ति की तरफ जो विलुप्त होती जो हमारी संस्कृति है और हमारी नई युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रही है, किस तरह से उनको अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम इन कार्यक्रमों का आयोजन करें। एक मुझे लग रहा है एक वेबसाइट शायद लॉन्च कर रखी होगी यहाँ पर आयोजकों ने कि इस कार्यक्रम को यदि किसी को पसंद आया हो कार्यक्रम, तो अपने शुभ कार्यों में आप इन कलाकारों को बुला सकते हैं, अपने मंगल कार्यों में इन कलाकारों को आप बुला सकते हैं और वहाँ पर बुला के ये बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने जैसे देखा होगा कि सारे लोग भूल गए, एक बार सभी लोग भूल रहे थे, हर किसी को थिरकने का मन कर रहा था और अपने आप को कोई रोक नहीं पा रहा था। हम ये भी भूल गए थे कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे दूर दूर से आए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अंदर की भावना होती है, अंदर से वो जब ऐसी भावना निकलती है तो स्वयं ही ऐसे नाचने गाने का मन करता है। तो इन लोगों को आप अवश्य अपने शुभ कार्यों में बुलाएंगे। इस कार्यक्रम में जो विशेष सहयोग जिन्होंने दिया, उसमें जैसे अजय बिष्ट जी हैं, गौरव कैंथोला जी हैं, भाई पंकज शर्मा जी हैं, राजपाल ठाकुर जी हैं और इसमें भाई यशवंत सिंह जी हैं, भाई परकांत जी हैं, अनेकों लोग हमारे पार्षद जिन्होंने इसमें मुख्य रूप से पूरा सहयोग करा, सभी को पूरे कार्यक्रम में लगे रहे। भाजू भाई इसमें राजू शर्मा जी हैं और इसमें अपने भाई रंजन अंथवाल जी हैं, हमारे पार्षद हैं, इसमें सभी पार्षदों ने पूरा सहयोग इसमें दिया, तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। एक एक का नाम लेना इस समय काफ़ी हो जाएगा। अभी हमको माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो गंगा आरती अभी हमने उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए, दीर्घायु के लिए माँ गंगा में अभी करी, उसका प्रसाद देने देहरादून जाना है। तो मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और मुझे लगता है कि आगे भी हमारी ये संस्कृति इसी प्रकार से आगे निरंतर बढ़ती रहेगी, उसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा। आप सभी ने अपना बहुत अमूल्य समय यहाँ पर दिया, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी एक का नहीं है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब से बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम सभी का है, उन सभी का सहयोग है, उस एक एक व्यक्ति का इसमें सहयोग है जो कि 4 बजे से और 8:45 हो गए हैं इस समय तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये कलाकार भी बजा के क्या करते यदि हमारे आप सभी लोग, हम लोग यहाँ पे देखने के लिए नहीं होते। तो एक एक योगदान, एक एक सहयोग आप सभी का इस कार्यक्रम में रहा और ये कार्यक्रम सफल हुआ। तो उन सभी सफल कार्यक्रम के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा, आज के कार्यक्रम की समाप्ति की भी घोषणा करती हूँ। शायद हमारे कुछ पार्षदगण, हमारे यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं हमारे दर्शक, मेरी बहन है उसमें अनिता तिवारी जी हों, रजनी बिष्ट जी हों, रोमा सहगल जी हैं, निया नेगी जी हैं, बड़ी दीदी राजकुमारी जुगरान जी हैं, सभी जितने भी हमारे समस्त पार्षदगण, मंजू बलोदी जी हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगी कि एक बार फिर सभी अपना नाच गान करके एक धुन, एक कोई ऐसा सभी लोगों को नचाने के लिए जितने भी हमारे वाद्य यंत्र वाले यहाँ पे हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार सभी का आभार और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने इस दीर्घा में सभी का, महापौर जी का, जिन्होंने ये हिमालय निदाद को इस त्रिवेणी के पावन पवित्र तट पर अवतरित किया है। और हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, जो हमारी विशेषता चित्त है, विशेषता है, हमेशा हमेशा सब लोग थे और बजाते हैं, रखो ना। और जो हमारा वाद्य यंत्र छतों को उद्देश्य केवल वाद्य यंत्र बजाने को मकसद नीचे, बल्कि रोजगार का रूप में भी हमारी संस्कृति पल्लवित पुष्पित होली। हम बैंड बाजा बजाना शादी में, ब्याह में, कोई मंगल गायन में, तो हजारों हजारों लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद भी हम अपनी संस्कृति तय अगर ऐथर बढ़ोला, अपना वाद्य यंत्रों तय ऐथर बढ़ोला, तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति ऐथर बढ़ोली। आवा आज माँ त्रिवेणी का ये पवित्र तट पर हम सब लोग एक संकल्प लेना कि जब तक ह्योमा हिमालो रलो, समुद्र में पानी रलो, हमारी वाद्य यंत्रों की निदाद हर घर में गुंजयमान रली, हर उत्तराखंडियों का दिल और दिमाग में गुंजयमान रली, ये का साथ में आज का ये कार्यक्रम थे। एक बार विराम देना। पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णाद पूर्णमुदजते पूर्णस्य पूर्णमादाया पूर्णमेव वशिष्यते की मंगलमय भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाव भवेत की मंगलमय कामना के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे।